गाइस फाइनली सब लोग साथ में हो गया। आज कितने घंटे लगे वैसे वहां पे? यार आज कम से कम 2.5 घंटे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कल रात को बहुत लेट आया मैं, मतलब मेरठ से मैं आया हूँ कम से कम 3 बजे, वो भी अपने दोस्त के यहाँ स्टे किया। लास्ट टाइम मैं कह रहा था पिन इंटरेस्ट, तो मेरे मुंह से निकल गया गाइस पिंटरेस्ट करके एक ऐप है जो आप जाके वहाँ पे आइडिया ले सकते। सो गाइस घर से निकल चुका हूँ मैं फ्रेश होके और एकदम वहीं से अकेडमी निकलूंगा, वहाँ से पास भी पड़ता है तो पानी की बोतल लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ वर्कर को पानी चाहिए होता है पीने के लिए। और उसके अलावा आज देखते कितना अपडेट देने जा रहा हूँ आप लोगों को कि कितना बन गया है। वैसे तो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है घर, तो अभी जाके किचन दिखाऊंगा। आई थिंक किचन कंप्लीट हो चुका है तो अब सीधा आप लोगों को वहीं मिलते हैं। तो गाइस किचन ऑलमोस्ट रेडी है और अब क्या काम करना है इसमें? डोर लगना ना, देखो गाइस इसमें डोर लगना है और ये पूरा होगा काम। इस बार अलमारी बहुत बनने वाली, और दिखाता हूँ और भी अलमारी बन रही है। अलमारी का भंडार लगने का, इतना बड़ा अलमारी लगेगा, मतलब क्या होता है इस बार सामान रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये भी अच्छा हो रहा है ना, भी काम के सारे काम आ गए, चलो देख लो कैसे इतना अपडेट है। मतलब किचन ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है हमारा, बाकी तो असगर भाई तो एकदम ये सुनता नहीं है, जो कैमरा मैन है मैंने इसको बोला नीचे आ जा, जिसमें बजाना पड़ेगा, चेहरा देखो ये सुनता नहीं है, देखो समझाना इसको, रात को रिमांड रूम में लेना पड़ेगा। तो गाइस ये तो हो ही गया है, अच्छा भी लग रहा है काफी ना, अभी तो और भी अच्छा लगा, अभी और बढ़िया लगे, अभी तो फिनिशिंग देंगे इसको बिल्कुल। मैंने इतने व्लॉग में बोल दिया आज तैयार हो जाएगा, आज तैयार हो जाएगा, आज भी अभी हुआ नहीं है, अभी भी रह रहा है। अभी मेरे को अपने रूम की अलमारी डिसाइड करनी है क्योंकि ना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्टोरेज तो चाहिए होगी चाहिए, तो अभी मैं अपने रूम का अलमारी बनवा रहा हूँ बिकॉज मेरे ऑलरेडी मेरे एक जगह है, बट मैं एक्स्ट्रा एडिशनल अलमारी के लिए जगह बना रहा हूँ बिकॉज मुझे वहाँ पे स्पेस चाहिए कपड़े रखने वाले, जो मतलब डेली यूज़ के लिए कपड़े एक अलग हो, और जो लाइक कभी फेस्टिवल या कोई पार्टीज़ में जाने के लिए उसके लिए भी एक ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे, तो मतलब है काम बहुत ज़्यादा है। तो गाइस ये है सेंट्रल पार्क यहाँ का, और ये पोडियम बेस पे है तो ऊपर की साइड है ये, तो अभी उस साइड भी पार्क बनेगा, पूरा सेंटर पार्क है, बहुत बड़ा पार्क होगा सेंटर पार्क का। तो ये और फुल स्विंग में काम चल रहा है, देख रहे हो ऊपर सब, और आई थिंक ये बैडमिंटन कोर्ट है सामने जो है। सोसाइटी में ये फ़ायदा रहता है गाइस कि आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है, देखो ना बच्चों के लिए बहुत, और बच्चों की सेफ्टी बहुत रहती है सेक्टर्स में, आप लोगों को बताइए बच्चों को नीचे छोड़ नहीं सकते, और ऐसे ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब सेफ्टी होती ही नहीं सेक्टर में, तो इसी वजह से ना हम सोसाइटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमने सोचा आप इंडिपेंडेंट हाउस बनाएंगे, गाइस ज़रूर एक दिन एक ऐसा भी टाइम आएगा जब इंडिपेंडेंट हाउस बनाएंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमारा फर्स्ट घर था तो हमने सेफ्टी पर्पज़ से अपार्टमेंट लिया, बिकॉज हम इससे पहले भी अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो अपार्टमेंट में रहने के फ़ायदे आप लोगों को बताया, फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए, तो यहाँ तक अभी पोजीशन हो जाएगा। ये वाला एरिया है ना, अब यहाँ से दूसरा एरिया पड़ जाता है, ये भी सेंट्रल पार्क है, तो इसका भी काम फुल स्विंग में, अभी इतना इतना देखो ये है वाला एरिया है, ये यहाँ से बंद कर देंगे जब लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से बंद कर देंगे। मैं तो इधर आके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पूरा कवर कर रहा हूँ ब्लॉग्स के थ्रू, कि पूरी फैसिलिटीज़ भी दिखा रहा हूँ, एरिया भी दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। ये देखो यहाँ पे देखो ये सारा ग्रीनरी कर रहे हैं, इधर से भी रास्ता है क्लब के एंट्री का, देखो यहाँ से भी एंट्री, अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ अंदर से आया था तो ये रास्ता बंद था, तो एक क्लब्स बहुत तगड़ा ये क्लब है सच में। तो ये देखो, तो आपको थोड़ा और क्लोज से दिखाता हूँ पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग पुराने वाली सोसाइटी में थी, जो हमारा पुराना वाला घर था आपको पता ही है। ये देखो पूरा, ये देखो भाई ये योगा के आसन जैसा, ये एरिया भी बहुत है यहाँ पे जैसे बैठने के लिए ना, ये देखो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, देखो ना बहुत सही पोस्टर बना रखा, आर्टिस्ट का जवाब नहीं है। सो गाइज ऊपर आ गया हूँ और अभी आप लोगों को पूरा सेंट्रल पार्क और सब चीज़ दिखाया मैंने, अभी थोड़ा काम वाम चढ़ा इसी वजह से थोड़ा सही नहीं दिख रहा, बट जैसे तैयार हो जाएगा ना पूरा तो उसके बाद आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और लोग भी आ जाएंगे तो चहल पहल बहुत ज़्यादा होगी, बाकी
आप लोगों को पूरा क्लब का मैंने दिखाई दिया फैसिलिटीज़, और सेंट्रल पार्क भी आपको दिखाई दिया है। बढ़िया रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद और मज़ा आने वाला है। स्विमिंग पूल, सेंट्रल पार्क पूरा रेडी होके तो मतलब एक अलग ही मज़ा आने वाला है। और अभी मैं भी यहाँ से डायरेक्ट, मेरा अकेडमी यहाँ से जा नहीं 10 मिनट की दूरी में, तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें सही हो गई है। और उसके अलावा गाइस अभी जो है ना, सच बताऊँ मेरी जो रूटीन ऐसा हो गया ना कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा खाने का वजह से, और ऊपर से फिर वर्कआउट नहीं हो पा रहा है एंड धूल मिट्टी में रहना पड़ रहा है ना, तो इसी वजह से बाल की भी हालत ख़राब है, चेहरे की भी हालत ख़राब है। तो वो ये कि अभी थोड़ा अपना ध्यान रखना है एंड गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। उसके अलावा गाइस जैसे हम एवरी वीडियो में बोलता हूँ, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और कोशिश करो कि जितना आप लोगों की हेल्प कर सको, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि लोग खींचने वाले ज़्यादा हैं और हेल्प करने वाले बहुत कम हैं। तो हमेशा आप अच्छे रहोगे ना तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हमेशा अच्छे रहो, चाहे इंसान सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक ना एक दिन कर्म आएगा। आप आज अच्छा कर रहे हो ना, और सामने वाला अगर उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ रहा है ना, तो आने वाले टाइम पर जब कर्म ऐसा हिट करता है ना, सच बता रहा, और मैं और मेरी मम्मा, हम मम्मा और मेरे साथ तो ऐसा है कि सेम राशि है, हमारे साथ अगर कुछ किसी ने अगर उल्टा करा होता तो उसके साथ बड़ा ही तगड़ा किक लगता है। और मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे सबके साथ अच्छा ही हो, बट ऐसा होता है इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो सोसाइटी भी दिखा दिया सब चीज़ें, अब मैं भी यहाँ से निकलूँगा विद इन 10 मिनट में। और बहुत अच्छा लगता है गाइस अपने घर में ब्लॉग करते हुए, और ये बालकोनी है देखो, मतलब यहाँ की बालकोनी, यहाँ की सोसाइटी की जान होती है बालकोनी, कम से कम 5 बालकोनी है। तो बालकोनी में आप लोगों को बताया आधे टाइम तो हम बालकोनी में बैठे रहते हैं, चाय वाय पीते हुए, गप करते हुए। और तो गाइस इतना ही है, लव यू, और आप ब्लॉग को कंटिन्यू करते हो, घर पे ही मिलेंगे। तो गाइस बैक टू होम, और घर आते देखो नई नवेली आमा, नई नवेली आमा आमा, और मैं कुछ नया ट्राई करेंगे हमारा मम्मी। और गाइस आप लोग ना कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में, बिकॉज मैं और मम्मा सोच रहे कि अब इंस्टाग्राम में एक्टिव हो जाए दोनों माँ और बेटे ना। दो शब्द बोल दो मम्मी हमारे व्यूअर को, ये दो दो शब्द, मेरे को खाली अलसी लगता है, कुछ नहीं। ये मेरे दोस्त की शादी हुई है तो उसका मिठाई का डब्बा आया, उसमें वैरायटी देखना कितने टाइप की वैरायटी की मिठाई है। हाँ हाँ सब, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी कॉलेज मेट। ये देखो ना वैरायटी देखो क्या कहीं, ये गाइस कितना अच्छी तरह से जाके दिया। ये तो कैबरेट रेशम था, तो वही तो हम, मम्मा तो खोल ही नहीं रही थी। देख रहे हो अभी, देखो ये देखना, हमने वही बोला ना, ये सब क्या तरीका है, देखना ना। तो गाइस फाइनली सब लोग साथ में हो गया। आज कितने घंटे लगे वैसे वहाँ पे? यार आज कम से कम 2.5 घंटे। 2.5 घंटे? हाँ यार 2 से 2.5 घंटे। वो क्या 11 बजे को 5 बजे आए दोनों, तो हम लोग कई काफी जगह थे, बैंक में भी जाना था मुझे पैसे के लिए। बाकी भाई साहब कलर चूज करना इंटीरियर के, इट्स अ टफेस्ट जॉब, मैं तो गए नहीं। चलो गाइज अब डिनर करते हैं, बढ़िया वाले और फुल फैमिली का डिनर चला। गाइज ये मेरे दोस्त की मम्मा ने भेजा, बहुत अच्छा आंटी, थैंक यू सो मच। गाइज डिनर भी डन हो चुका है और आज के वीडियो को एंड करने का भी टाइम हो चुका है, बिकॉज मेरे को एडिट के लिए बैठना है। और आज आप लोगों ने देख लिया, आज आप लोगों को नए घर का अपडेट दे दिया है, और अभी लगेगा गाइज 1 महीना और लगेगा अच्छी तरह शिफ्टिंग होने में, काम होने में। तो जल्दी से जल्दी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि काम हो जाए और हमारी शिफ्टिंग जल्दी हो जाए। आई नो आप लोग भी हमारा बहुत वेट कर रहे हैं उस नए वाले घर में, नया घर भी हमारा बहुत वेट कर रहा है। तो गाइस और सबसे मेन बात क्या है, मेरा ना एक रूटीन ख़त्म हो चुका है, अपने वर्कआउट का जो रूटीन है ना, इस वजह से बड़ी चीज़ें हो रही है मेरे को। जैसे अब मैं वर्कआउट करता था तो एक अलग सा फ्रेशनेस होता था, फेस अलग ही रहता था, आजकल थोड़ा थकान थकान सा है, बट डेफिनेटली कल परसों से स्टार्ट करेंगे और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, आई लव यू एंड गुड नाइट।